আমি বল মারছি ইলোমান দিদা ইলোমান দিদা ইলোমান अभी मेरा खत्म नहीं हुआ गाइस, मौत का खेल अभी भी चल रहा है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, और आप सभी का स्वागत है नियान की नोक झोक भरी छोटी सी दुनिया में। सर्दी पे बुरा हाल हो गया है, और बताइए क्या हो रहा है। अरे क्या व्यू है सुबह सुबह उनके। आई स्वेर, व्यू तो छोड़ो, इतनी धूप है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। मैं तो सुबह सुबह उठ के पहले ही आउटफिट पहन ली, मैं बोली यार मजे ले लो, अभी लिए तो वसूल कर लेते ना। यस ए वाओ, मेरे को जाना है उस पे। क्या लोकेशन है गाइस, जस्ट लुक एट द लोकेशन। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है ना सुफियान। सुबह सुबह जब मैं उठा ना निदा, जब मैं घर गया दिल्ली में, तो बाहर का व्यू देखा ना अपने विला से, अरे बाप रे बाप, मेरे को तो ऐसा ही मजा आ गया, ऐसा लग रहा था लग जाऊं पानी में स्नान कर लूं मैं जाके। कोई नहीं, अभी नाश्ते के बाद हम लोग जरूर जाएंगे पानी के अंदर। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम लोग जितने बजे सोते और उतने बजे उठे। यस 7 बजे, और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि हम लोगों को पूरा वसूल करना है भाई, बहुत खर्चा हुआ है यहाँ पर, तो वसूल तो करेंगे। चलो फटाफट नाश्ता करने जाएंगे 4 किलोमीटर दूर। तो लेट्स सी ये नाश्ते में क्या क्या है। जो भी तुम ले रहे हो मेरे को भी डाल देना है, बस पैनकेक छोड़ के। आई डोंट लाइक पैनकेक्स। पैनकेक अच्छा है, ले लो, चलो एक ले लो, मैं खा लूंगा। और मस्ती मत करो। अरे मेरे में तुम्हारे में लो। तो सुबह उठा दिए। सुबह सुबह मैं नहीं उठाया, सुबह सुबह ये लोग उठे। इतना बड़ा ब्रेड कहाँ होता है। अरे निदा क्या ले रहे हो, कुछ मेरे को बताओ तो, मैं खाली ये लेके घूम रहा हूँ। कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, ये सब इतना अच्छा रहा यहाँ पर पड़ा हुआ, इसका क्या सैलेड एंड ऑल। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। निदा को पैसा वसूल करने नहीं आता है। मैंने अपनी प्लेट भर लिया, ये देखो क्या लेके आई, और अभी जा रही फ्रूट्स लेने। मुझे भेज रही थी, बोलिए फ्रूट्स लेके आओ ना, मैंने चल जाके लेके आया। शानी खुद की प्लेट में कम लाई ताकि लोगों को लगे कि इतने कम खा रही है, और बाद में वो बोलिए फ्रूट्स लेके आओ। हाँ पागल दिख रहा हूँ मैं इसको। ब्रेकफास्ट करते ही हम लोग अभी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आ गए, तो निदा ने 3 वाटर स्पोर्ट्स सेलेक्ट की है। कौन से निदा? एक हम लोग ये करने वाले हैं कायाकिंग, जेट स्की चलाने वाले हैं, और ये करने वाले हैं। बाकी सब मतलब वही दिखा देना, मेरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 ये कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है, इसको कोई भी कर सकता है। बाकी जो अलग एक्टिविटीज है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो मैं सोचा 30 मिनट्स था से वो ट्रांसपेरेंट बोर्ड का, मैंने उसको तुमने मेहनत वाला काम ही 45 मिनट्स का लिया, इसने देखो कितना दिमाग वाली है। वो किधर जा रहे हो? अरे वो फोटो ना, डाइविंग स्कूबा डाइविंग नहीं करना है, तो चल के जाते ना। सो गाइज हम लोग अभी यहाँ से स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं, हम लोग को स्कूबा डाइविंग भी करनी है, तो वहाँ जाके भी बात करेंगे, देखते उसके चार्ज कितने हैं। पहले मेरी फोटो ले लो। यहाँ पे फॉरेनर मजे लेते हुए बहुत मजा आ रही देखते हुए, और निदा गुस्से में चलते हुए। यार हम लोग जब भी ट्रिप पे घूमना आते, लड़कियों के हिसाब से चीजें नहीं होती ना, लड़कियों को गुस्सा आ जाता है। गाइस मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इनके हिसाब से चीजें करो अगर घूमने जा रहे हो बाहर। तो अभी मैं बोला स्कूबा डाइविंग के लिए आते, बोलते मेरी फोटो लो। अरे यार क्या मैं फोटो खींचने आया हूँ कि मैं एंजॉय करना है, मेरा हनीमून पे आया, फोटोग्राफर बन गया मैं। बोलो वेकेशन पे आने, तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ मैं, समझे ना। काम के लिए रखा गया वही करो। हाँ तुमको भी जो काम के लिए रखा गया फिर वही करो, घर में झाड़ू कटका समझे। ज्यादा फ्री नहीं होने का, अभी यहाँ पर देखते नया एडवेंचर क्या मिलता है। ये आ गए हम लोग डाइविंग सेंटर में, अब यहाँ पे देखते क्या चार्जेस वगैरह है। गाइस स्कूबा डाइविंग करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे हैं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे भाई ने स्कूबा डाइविंग की बुकिंग कर दिया है, कल की है, तो ये आज के व्लॉग में स्कूबा डाइविंग नहीं आएगी, कल के व्लॉग में स्कूबा डाइविंग आएगी। निदा ने स्कूबा डाइविंग का कंफर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि निदा को फ्लाइट के अंदर वो कान में कुछ तो भर गया था इसके, कान में मैल भर गया था इसके, कान में मैल, हाँ मेरा मतलब वही था, तो उसकी वजह से निदा ने बुकिंग कन्फर्म नहीं की है। इसके कान खुल जाएंगे तो बराबर सुन पाएगी लोगों की बातें, मैं स्पेशली मेरी बातें, तब जाके इसको मौका मिलेगा ये करने का। देखो क्या कर रही है, अभी भी हरकत है, देखो ये एसी का चलते रहेगा, ये पागल है, बच्ची है छोटी, दूध पीती। सो गाइज आप लोगों को मैं हमारे रूम से व्यू दिखा दूं, जैसा कि मैंने बोला था सुबह सुबह यहाँ पर, मतलब व्यू देख के इतना अच्छा लग रहा है गाइज, मतलब मेरी आंखें नहीं हट रही है। मैं दिखाता हूँ, ये इसको इग्नोर करो, देखो पानी ये भाप ले रही है, जैसे बोला था ना मैंने कि इसके कान में हवा भर गई, थोड़ा भाप ले रही है, तो इसको भाप लेने देते हैं। मैं तो आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ से निकले, यहाँ पे है अपना झूला, यहाँ पे ये लेटने का, फिर यहाँ से अपना जाता है पूरा रिसोर्ट, मस्त लग रहा है ना। अब मेरा मन कर रहा है मैं जरा नीचे जाऊँ पानी में, मस्त शॉर्ट वॉर्ट पहन के आया हूँ, डर लग रहा है यार। हाँ, स्लीपर ही है यार, ऐसे शार्क वाक नहीं आ जाए यार। हमारे साथ निदा भी आ गई है पानी में जाने के लिए नीचे। आ मजा आई निदा, पहले मैं जाता हूँ फिर तुमको बुलाता हूँ। निदा शार्क वाक भी रहती है यहाँ पर, ए बाबा मैं फिर। मौन, कम मौन, फुल नंगा पैर नंगा, हाँ चल पा रहा हूँ, हमारा चप्पल टूट नहीं जाएगा निदा। ठंडा 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 वाला हबीबी, वैसा की चिल्ला रही भाई खरगोश जैसा पागल। अपने को जाना है वो झूले पे निदा, उधर
ये लटक जाओ, इस पर लटक जाओ निधा, प्लेन पर लटक जाओ, पकड़ लो, जाओ पकड़ो पकड़ो, भागो प्लेन पकड़ो। अरे यार निधा, ये छोटी हाइट वाले कसम से ये ना इरिटेट हो जाता है मेरे को, चढ़ कूदी मार के बैठो ना। अरे यार मैं कैसे चढ़ूंगी, ये बहुत ये नीचे है और तो फिर भी बहुत ऊपर है, उससे कैसे चढ़ोगे? फिर भी बहुत ऊपर है मतलब, मैं तो चढ़ जाऊंगा। तुम्हारी हाइट है ना मेरी बहुनी। चलो चलो, ₹15 भाई, ₹15 झूला, ₹15 झूला, आ जाओ भाई आ जाओ, झूला हमारा झूला, चलो ₹15 ₹15 ₹15 पैर नीचे होना चाहिए, पानी के अंदर डालती ना तो मजा आती। तुम्हारी हाइट छोटी ना इसके लिए। मैं भी आ गया झूले पे, झूला कौन देगा अभी अपन दोनों को, अपने आप से हो ही नहीं रहा, अभी मेरा झूला टेढ़ा ही नहीं था। अबे भिंगड़ी, अभी हम लोगों ने वहाँ पे जस्ट फोटो शूट किए झूले पे, बहुत ही मस्त फोटोज आई है मेरी, और निधा को तो हर बार कंप्लेंट रहती है मेरी फोटो अच्छी, इसकी फोटो कभी अच्छी आती ही नहीं है गाइस, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अरे उसको लेने नहीं आता, देखिए किसको पता नहीं किससे बात कर रही है, अपनी मर्जी से ही बात कर दी जिससे बात करना हो। तो गाइस अभी और एक ये लोकेशन है हट वाली, हट, अरे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर हट है पागल, अभी क्या बोल रहे हो बेटा, नहला दूंगा पानी से, याद रखना नहला दूंगा। शाग है, शाग है, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा, शाग है, शाग का बच्चा है वो उधर अंदर। तो ये आ गए हम लोग लोकेशन पे, यहाँ पे $150 चार्जेस यहाँ पे लंच करने का, सोचो ये जगह पे हट के नीचे यहाँ पे बैठे घर से लेंगे खाना अपन। मेरी आईडी देखो, पौनी चढ़ नहीं पा रही ऊपर, इधर चढ़ो ना, कितनी तो जगह है यार, थोड़ा प्रेशर लग के चढ़ो ऊपर, कूद के नहीं। ए यार क्या बौनी औरत पैदा हुई है, इतना दूर बैठ रहे हो मेरे से, चलो चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। व्हाट इज लोकेशन? और बताओ निधा, घर में बच्चे अच्छे कैसे, सब ठीक? मेरे अकेले के? हाँ अच्छा, मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने, आवाज गूंज रही है यहाँ पे, आवाज आई है मुझे, क्या बोल रहे हो? गाइज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो लोकेशन है ना गाइज वो बहुत अच्छी है, बट बहुत महंगा है यहाँ पर, एक एक चीज मतलब $2 $5 मतलब एक, जो इंडिया में चीजें 10-20 रुपए की मिलती है वो यहाँ पे $2 की, $2 मतलब 160-170 रुपया, बहुत महंगा है, बहुत महंगी है। हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग की है, स्कूबा डाइविंग हम लोगों को पड़ी $160 की पर पर्सन, और जो एडवेंचर की हम लोग ने वो पड़ा हम लोग को $250 का पर कपल, उसमें तीन ही चीज है, जेट्स की 10 मिनट, वो कायाकिंग जो पैडल बोट रहती है ट्रांसपेरेंट बोट, वो हम लोगों ने लिए, क्या करेंगे, देखो कपड़े सुखा रही हूं मैं, सुखाओ सुखाओ, देखो ये इंडियंस जहां भी जा अपनी औकात नहीं भूलते, देख लो सूख रहे कपड़े, सुखाओ। तो गाइस हम लोग एकदम समंदर के बीच में है अभी, बहुत ही गहरे पानी में, हम लोग चल भी नहीं पा रहे, स्विम करना पड़ रहा है, देख सकते हो आप, देखो वाओ क्या स्विम कर रही है, स्विम कर रही है, जल परी आई है पानी में, ए गिरी 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 मगरमच्छ मगरमच्छ गिरी, जैसे जैसे हम लोग चलते जा रहे हैं वैसे वैसे पानी डीप हो रहा है। yes. तो निधा की हाइट की वजह से निधा शायद चलती है, बट अभी पता नहीं है, अरे माँ हवा बहुत चल रही है, हिल रहा हूँ, तुम नहीं हिल रहे हो, यार पानी में वो भी फुल साइकिलिंग हो गई है पानी में, और वो साइड पे पूल है, तो मैं सोच रहा हूँ पूल में जाता हूँ मैं, और निधा यहाँ पे नहा रही है, तो तुम भी पूल में चलो ना। अरे यार ये तो अजीब है, जा ये जाएगी वहाँ मैं जाऊँ, मतलब हद हो गई है, ये पानी से थोड़ी ना स्किन खराब होती है, क्यों नहीं होती है, नहीं इससे भी खराब होती है, इधर फॉरेनर बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। और सुबह में भी तुम बोल रहे थे ना मैं फॉरेनर लोग को देख सकता हूँ, हाँ तो वो लोग चप्पल बहुत जोर की लगती है ना गाइस, नहीं 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 गीली, अरे ना मुंह पर चप्पल फेंक के मारूंगा मेरी व्हाइट कलर की। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है, गई भैंस पानी में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी तक गई नहीं है, निधा जाओ ना जरा, जाओ जाओ ना, और ये गई भैंस पानी में। ओ अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को 2 बजे वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना है, एडवेंचर करने जाना है, और उसके पहले खाना खाना है, तो निधा कपड़ा चेंज करेगी, क्योंकि उसका कपड़ा पूरा गीला हो गया, मेरा कपड़ा बहुत जल्दी सूख गया, क्योंकि मेरे कपड़े छोटे, उसके कपड़ा बड़ा था, पूरा भरा हुआ नेट का था, तो उसका थोड़ा गीला हो गया। अब ये करके चेंज करके जाएंगे खाना खाने, और आगे की ब्लॉगिंग हम लोग करेंगे गोप्रो से, क्योंकि हमको जाना है पानी के अंदर। सो गाइस अभी गोप्रो पे मिलते हैं, ठीक है, रेडी हो रहे हैं यहाँ पर हम लोग, अभी कितना अच्छा लग रहा है, रेडी? यस। स्टेडी पो। अभी सबसे पहले हम लोग कायाकिंग करने वाले हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंट बोट है। yes. वो ट्रांसपेरेंट बोट पे बहुत मजा आने वाली है, जस्ट मतलब ये वाला ब्लॉग मुझे लग रहा है बहुत ही मस्त चलेगा, क्योंकि बहुत सारे एडवेंचर करने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम हनीमून कपल हनीमून कपल। और ये रही हमारी जेट्स की,
थोड़ा सा प्लान में चेंजेस आया है, पहले हम लोग जेट स्की करेंगे। दस मिनट है खाली, $100, $150, वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव नहीं, बहुत महंगा है यहाँ, बहुत मजा है यहाँ पे। हिंदी किसी को समझ में नहीं आती है तो बहुत महंगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई सुन तो नहीं रहा ना। नहीं सुन रहा। चलो जेट स्की उतर गई है पानी में, अभी फिर से पानी में जाने का बारी आ गई है। एक्साइटेड बट ऑल्सो नर्वस। मैं जा रहा हूँ अकेले। अरे क्यों? टेस्ट राइड के लिए। तो मुझे क्यों नहीं, मेरे को क्यों बुलाए फिर? देखो मस्त अपना अच्छी है। सुफियान वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और मैं चाह रही हूँ वहाँ पे जाना, बट वो बहुत दूर खड़े हैं। वाओ, इवन आई वांट टू, मुझे भी आना है। वो लोग भी चले गए वहाँ पे अपना बोटिंग करने और ये मेरे को ही नहीं लेके जा रहे। सो गाइस द राइडर इज रेडी एंड द पैसेंजर हैज जस्ट अराइव्ड। उड़ी बाबा, मुझे गिराना नहीं। नहीं नहीं गिरावा, डोंट वरी। नो निदा, कीप इट। यस, वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस। गिर जाओगे नहीं तो? नहीं गिरोगे, एकदम स्ट्रेट, बड़ा स्ट्रेट। अच्छा, क्या मजा आ रहा है, मजा आ रही है। पानी में बड़ी बार चला लूं। तुम झूठ बोले ना उसको। क्या तुमने बोले 5 साल पहले चला चुका हूँ? हाँ झूठ बोलना पड़ा, पागल होना देता नहीं तो क्या करते। नहीं गाइस आप लोग मत करना, ये पागल है थोड़ा सा। अरे वाह क्या मजा आ रही है, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है ढेबले। उसने बोला फास्ट चला सकते हैं डीप वाटर में। यहाँ पे डीप वाटर नहीं है ये। अरे वो तो अपने आप आगे ही चल रहा है पागल। हाँ उसको फॉलो करने का उसने बोला। फॉलो मी, खड़े नहीं हो सकती मैं। नहीं नहीं उसने मना किया, बोले डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ज्यादा हिलना नहीं, उसे बोला स्ट्रेट बैठना एकदम। बाइक थोड़ी मेरी KTM। अबे तुम तो चला ही नहीं पाओगे दीदा। पानी है नीचे यार, मैं उसके पीछे जाके बैठती हूँ यार। तुम तो स्लो चला रहे हो कुत्ता। चलो यार फास्ट चलो थोड़ा, अपन गिरेंगे भी तो बच जाएंगे। अरे नहीं बचेंगे, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा पानी है। जान जान जान, क्या डीप पानी है रे। जानू मेरे हवाले। अरे उसको बोलो थोड़ा रुक जा। अरे बहुत फास्ट चला रहा है यार वो। ला मेरे हाथ में कमांड दे, इससे अच्छा तो मैं चला लेती। एक बार अगर सीख गया ना मैं। अबे सीखने का 10 मिनट नहीं है। अबे क्या लहरें आ रही है निदा। अब वो बोलेगा फास्ट चलाने, तब फास्ट चलाएंगे वो। करो फास्ट। हाँ करो, तभी तो मजा आएगी ना पिड़ू। मम्मा फास्ट, मम्मा फास्ट। अबे क्या फास्ट, अब फट रही है मेरी। अरे हाथ मेरे छोड़ ही नहीं रहा मालूम। मम्मा यार एंजॉय करने आए, करना यार पास। अबे बोल मत भाई, हिलो मत निदा, हिलो मत निदा, हिलो मत। अबे निदा हिल मत। अबे निदा मैं नहीं हूँ। अरे माँ। Yes yes come on Zufi, you can do it। आप जाके सुफियान ने हिम्मत दिखाए। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं बम्पी राइड। अरे 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 कहाँ जा रही है? फास्ट फास्ट गाइस, मैं कैसा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मुझे ही पता है। और अब बम्पी राइड, अरे बूंग बैंग बैंग मजा मारी। अरे 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 भाई लैंड करा दे। अरे अच्छा हुआ मैंने GoPro ले लिया, वरना फोन तो पकड़ नहीं पाता था यहाँ पर, ये सब मूवमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाता था गाइस आप लोगों के लिए। अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ गाइस, मौत का खेल अभी भी चल रहा है यहाँ पे। और निदा ने मौत के खेल से बोल दी है कि मुझे नहीं करना है। निदा डर चुकी है गाइस। निदा कैमरे में हाय बोल दो, हाथ उठा के। निदा मजा क्या फिर अगर रेस्ट कर लेंगे अपन तो।
घुमाया ये, सीधा रेड के अंदर जाएंगे अभी अपन। भाई चालू मत करना। आजा हो गया, आजा निदा, आजा निदा, आजा हो गया। मजा आई कमा चका दी कमा। What you do? My head is not working now. बहुत मजा आई गाइस, बहुत मजा आई। अभी थोड़ा थक गए तो थोड़ा रुक के कायाकिंग करके, वरना हाथ चलेंगे नहीं अभी। तो निदा इतनी डर गई तो इसको सुसु आ गई हमेशा की तरह पी। गाइस आप लोगों को पता ही, अभी वो गई अंदर पी करने के लिए। अभी वो आएगी तो फिर हम लोग कायाकिंग चालू कर देंगे। ये बीच में सबके बीच में नहा रही है, बोलो यहाँ पर इसको और कुछ काम धंधा नहीं है। अरे ये सब क्या हरकत है निदा, वो शर्म आ रही है क्या? है। तुम बीच में एकदम नहा रहे हो। अरे पागल, खारा पानी अपने मुंह पे गया है और वापस अपने को जाने का पानी में। अभी हम लोग जा रहे हैं कायाकिंग करने के लिए। कैसा हस्बैंड है, मेरे को छोड़ के चले गए पत्थरों के बीच। अरे बाबरे, ये बाबरे बहुत बड़े बड़े पत्थर है यार। कहाँ बैठना है? ये तुमको चलानी पड़ेगी। बैठो बैठो। तो हम लोग बस निकल चुके हैं हमारी राइड के लिए। हमारी क्रिस्टल क्लियर है तो देखो ना नीचे। हाँ यार, और मैं अकेला चला रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में गोप्रो है और मैं नहीं चला सकती हूँ। और लुक एट दिस, सब कुछ दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, बहुत मजा आ रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और वाटर में डीप और पानी में एक भी मच्छी नहीं दिख रही मुझे। हम लोग मच्छी के पकड़ के खाएंगे अपन, बट कोई नहीं। अरे बहुत ही यहाँ डूबेंगे भी तो फ्लोट होंगे पागल। हाँ, वो तो है। बस मुझे तो ये डर है कि मैं काली होने वाली हूँ। देखो बॉल के आगे अपन अपने ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, अपन काई के लिए हाथ यूज कर रहे हैं। सो गाइस ये देखिए इसे। ओ, नीचे क्या मस्त है, अलग अलग झाड़ है। डालो बिंदास बिस्मिल्लाह। I hope you enjoyed the ride inside the water. मैं आप लोगों को सब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी हम लोग जस्ट स्कूबा डाइविंग वाले के पास गए थे निदा का भी नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि निदा ने पहले मना कर दी थी और फिर और अभी बोली कि मैं आ रही हूँ। और वहाँ जाके ऐसे ऐसे सवाल कर रही है, बोले अंदर जाके कुछ करना पड़ेगा क्या? वो बोल रहा है अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, बाकी सब वो लोग गाइड करेंगे आपको। क्या मतलब वो लोग ही लेके जाएंगे सब जगह पे जहाँ भी जाना हो। और यहाँ का जो ये जो गार्डन टाइप लोकेशन है ना, ये बहुत मस्त लगता है। चलने में भारी पड़ रहा है बट देखने में अच्छा लग रहा है निदा। अभी पूल में से निकल के हम लोग जाएंगे समुंदर में, जहाँ पे हम लोग बोटिंग कर रहे थे। अब वहाँ पे हम लोग ऐसे जाएंगे वेव के साथ में, थोड़ा स्विमिंग करेंगे, तब जाके मजा आएगी। निदा व्हाट से करेंगे? मैं तो मुंह नहीं डुबाऊं भाई। निदा को स्विमिंग सिखा रहा था मैं, सीखते-सीखते बोलती है बस हो गया मेरी पैर की एक्सरसाइज हो गई। मतलब निदा कल स्कूबा डाइविंग करना है अपने को, थोड़ा बहुत तो पैर हिलाओ। सो गाइज हम लोग रेडी हो गए, खाना वाना खा लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं मालदीव्स का ट्रेडिशनल डांस देखने। तो कुछ नया देखने वाले हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। देखते तो गाइज ये था यहाँ का ट्रेडिशनल डांस। ऐसा क्या है तो मुझे समझ में नहीं आया, तो हम लोग वहाँ से निकल गए और अभी हम लोग आ गए फिर से बैठने के लिए यहाँ पर। एकदम अकेला, कोई नहीं है बीच पे। लकड़े गाइज इतना पैसा देने के बाद काठी पे सोना पड़ रहा है, बोलो। क्या जिंदगी हो गई है, गरीब जिंदगी। ये उसकी आँख पे फ्लैश आ रहा है ना, उसको प्रॉब्लम हो रही है। बोलो क्या, कैसे ब्लॉगिंग करेगी यार ये? तुम इरिटेट करते हो पूरा दिन मेरे को उसका क्या? तुम मेरे को इरिटेट करते हो पूरा दिन उसका क्या? वो तो मेरा हक है। हाँ देखे जैसे ही कैमरा आता है कि गुमनाम है कोई। यहाँ देखो मेरे लिए बोल रहे हो। समझ गए तुम। सुनसान विला, सुनसान रास्ते पे सफेद कपड़े में एक लड़की चल रही है। लोगों को ना मेरा रिएक्शन बहुत पसंद आया जब मैं तुमको देखा ना वो उसमें फेशियल में, तो लोगों को अबे यहाँ पे ऐसा लगता है कि चक्कर आ रही है यार, इतनी हवा चलती है सब तो बीच तुमको में। मैं तुमको बोली ना यहाँ पे पानी में। हाँ हाँ नहीं नहीं पानी में बहुत हवा चलती है यार देखो। और ऐसा छोटा सी नैरो सा रास्ता है ये, देख देख के मेरी तो जान निकल जा रही भाई। और ये देखो गाइस निदा ने मेरे स्टाइलिंग के लिए नया पर्स लाया मुंबई से, जो खुद यूज कर रही है। और जब अभी थक गए तो मुझे पकड़ने दिए मेरा ही बैग। मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि अब मेरे लिए काम कितना आसान हो जाएगा। नहीं नहीं सही है निदा, शी इज गुड गोइंग। तुम लड़कियों को गलत नसीहत दे रही हो निदा,
सब लड़कियां ऐसे ही करेगी, सो प्लीज गर्ल ऐसा नहीं करना। और रास्ता बहुत nice और रास्ता बहुत खतरनाक है, मुझे कैमरे में देख नहीं पा रहा हूँ, मैं रास्ता ही देख रहा हूँ कैसे चलते जाऊँ इतना नैरो रास्ता, मेरे को दिख भी नहीं रहा है अंधेरे में तो यार। अरे कल से मुझे चाय पीने की तलब लग रही थी बट यहाँ पर दूध मिल ही नहीं रहा, मतलब प्योर दूध यहाँ पर है ही नहीं, तो हम लोग कब से ढूंढ रहे दूध का है, दूध का दूध पाउडर है पक्का। Yes. अरे यार शिट, ना मैं बिना तलब के सो गया मालूम। और हाँ, हम लोग ना जब खाना खाने गए थे ना गाइस, तो ना रात में यहाँ कुछ मिलता नहीं है, फिर ऑर्डर करना पड़ता, ऑर्डर करते ना बहुत महंगा पड़ता है, मैं अच्छी बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या किए, जब खाना बन रहा था ना तो हम लोग डेजर्ट लिए, डेजर्ट बच गया ना तो हम लोग उसको टिश्यू में बांधे सन करके लेके आ गए, बच गया। हाँ केक्स लाए हम लोग ने, जो हम लोग अभी चाय बना के केक डुबाई खाएंगे। तो भाई जुगाड़ करना पड़ता है अपना, अगर जिंदगी में जीना है तो सो करते जाओ। सो गाइज, हम लोग अभी चेंज वेंज करके मस्त बैल्कनी में आ गए हैं पानी का मजे लेते हुए, जो पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, पूरा अंधेरा है, देख लो आप लोग कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे कल एक मून का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था जो अभी नहीं आ रहा है बादलों की वजह से, अगर आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग बाहर आए बैल्कनी में, निदा को मैंने भेजा अंदर चाय बनाने के लिए मतलब मुझे लगा कि दूध नहीं है बट वो दूध था, तो अभी निदा गई है अंदर दूध चाय बनाने के लिए, और हम लोग खाएंगे बाहर बैठ के, मस्त इंजॉय करेंगे वेदर को, और फिर हमें जल्दी सोना है क्योंकि कल जाना है स्कूबा डाइविंग के लिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। Thank you.